पाकिस्तान में तैयार वेंटिलेटर्स की पहली खेप एनडीएमए के हवाले कर दी गई। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान में बनने वाली तमाम मशीनें ईयू स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं। हम वेंटिलेटर्स दीगर ममालिक को भी दे सकते हैं। आज एक बहुत तारीखी दिन, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पहला बैच था वेंटिलेटर्स का वो हवाले किया है एनडीएमए के। ओरिजिनली 57 डिज़ाइन मिले थे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को, 4 डिज़ाइन जो हैं उनमें से फाइनल हुए। ये पहला जो मैन्युफैक्चरिंग है, कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग एनआरटीसी ने आज ये बैच इसके हवाले किया है। इसके अलावा 3 और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो हैं, 2 प्राइवेट सेक्टर में और 1 सरकार के सेक्टर में, 4 टोटल होंगी जो मैन्युफैक्चरिंग इब्तदाई में जो वेंटिलेटर्स बनाएंगे। देखिए, ये पाकिस्तान 2.1 बिलियन डॉलर के जो इक्विपमेंट है, मेडिकल इक्विपमेंट है, हर साल बरामद करता है। इस बहुत बड़े इनिशिएटिव के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी सनत जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, यानी जो हमारी मेडिकल आलात की जो एक बहुत बड़ी सनत है, उसका आगाज़ होगा। और इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 3 सालों में हम 1 बिलियन डॉलर जो कि इंपोर्ट जो है वो बचाएंगे, और 5 सालों में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान को बैरूनी दुनिया से कोई भी जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो मंगवाना नहीं पड़ेगा।